गुड इवनिंग आदाब नमस्ते, मैं डॉक्टर रफीक, फिजिशियन कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट, माहिर अमराज दिल शुगर ब्लड प्रेशर, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। आज हम सब जानते हैं कि आज आलमी योम हाइपरटेंशन या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, उच्च रक्तदाब दिवस। मैं अपने इस बात को तीन हिस्सों में आज तकसीम करूंगा, तीन हिस्सों में कहूंगा। सब में पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि आलमी हाई ब्लड प्रेशर दिन क्या है। बाद में कुछ रोशनी मैं डालूँगा दूसरे हिस्से में ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के इस मौजू पर, और तीसरा जो पार्ट आखिरी पार्ट है वो होगा जो हम जिस तरह से जिस दौर में कोविड के इस पैंडेमिक में चल रहे हैं उसका और ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हिस्से में हम ये देखेंगे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये क्या है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 2005 में जब ये देखा कि ब्लड प्रेशर के मामले काफ़ी तेज़ी से दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने दूसरे दिगर आलमी हाइपरटेंशन सोसाइटीज़ के साथ में मिलकर ये तय किया है कि साल में एक दिन मनाया जाए इस ब्लड प्रेशर के नाम से, जिसे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऐसा नाम देकर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में मालूमात में उनके इजाफा किया जाए, उन्हें ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो इसका मेन मकसद, अहम मकसद वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके मालूमात को फैलाना, उनको जागरूक करना, उनको अवेयर करना इस बीमारी, इस घातक बीमारी के बारे में। तो हर साल फ्रेंड्स ये दिन एक्चुअली 25 मई को मनाया जाता है हर साल, बट लेकिन क्योंकि हमारे पास मई में काफ़ी शिद्दत से पैंडेमिक था कोविड का, इसलिए उन्होंने 17 अक्टूबर को मनाने का ऐलान किया और यानी कि आज मनाया जाएगा। मैंने मकसद बता दिया वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का। दूसरा है कि इस साल जो है हर साल इस दिन एक विषय या एक मजमून या एक सब्जेक्ट दिया जाता है, एक थीम दिया जाता है। इस साल का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, यानी कि अपना ब्लड प्रेशर मोजो नापो, उसे कंट्रोल में रखो और ज़्यादा हयात लंबी उम्र दराजी पाओ। तो ये इसका थीम है इस साल का। दूसरा पार्ट जो मैं कुछ मेरा जो दूसरा हिस्सा मेरी बात का वो है जो ब्लड प्रेशर की बीमारी के ताल्लुक से मैं मुख्तसर से बात रखना चाहता हूँ। सब में पहले तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। ये ब्लड प्रेशर यानी कि जब किसी का जो रीडिंग्स फिगर्स 140/90 से ज़्यादा होते हैं, आइडियली 120/80, लेकिन काफ़ी कम ही लोगों में देखा जाता है 120/80। इंडियन गाइडलाइंस 140/90 को नॉर्मल रीडिंग मानते हैं, उसके ऊपर अगर किसी का ब्लड प्रेशर रहता है तो उसे हाइपरटेंशन का मरीज कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हाइपरटेंशन है ये इसका पसराव या इसका एपिडेमियोलॉजी फैलाव पसराव कितना है। दोस्तों ये बहुत आम प्रॉब्लम है, 113 करोड़ के करीब लोग इससे मुतासर हैं। अब हम देखेंगे कि ये 30-40% इसका तनासुब है लोगों में, हर 3 में से एक इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इतना आम ये प्रॉब्लम है। और हार्ट से दिल से जुड़ी हुई बीमारियाँ आज नंबर 1 है दुनिया में, अगर हम मौत की वजह देखा जाए तो नंबर 1 पर आती हैं, पायदान नंबर 1 पर। अब हम देखेंगे कि इसमें ब्लड प्रेशर के किस्में कौन से हैं। मुख्तसर से बता दूँ कि इसकी 2 किस्में हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यानी कि प्राइमरी ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, जो कि आम मुआशरे में देखा जाता है, 99% यही ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें आमतौर पर सिंपैथेटिक टोन बढ़ा हुआ होता है या कुदरती ये बीमारी होती है, इसकी कोई वजह नहीं होती। दूसरा जो है टाइप ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन का, वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि किसी और वजह से जब ब्लड प्रेशर इंसान का बढ़ जाता है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी को थायराइड की बीमारी है, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, या कुछ दवाइयाँ ले रहा है आयुर्वेदिक वगैरह, या कोई एंडोक्राइनल ट्यूमर्स है, फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस यानी दिल की खून की गुर्दे की खून की रग अगर दबी हुई है, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के वजूहत में आते हैं। ये 1% से कम लोगों में देखा जाता है, आमतौर पर प्राइमरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन है।
अब हम देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स यानी कि किन लोगों में ये होने का जोखिम ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। तो इन शॉर्ट बता दूं कि जो लोग कसरत ना करते हों, जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनका खाना जिनका गैर तंदुरुस्त बख्श अनहेल्दी डाइट जो लेते हैं, जो स्ट्रेस तान तनाव में रहते हैं हमेशा, नींद की कमी और कुछ आदतें जैसे कि शराब जर्दा सिगरेट वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों में ख़ानदानी बीमारी ख़ानदानी वजह होती है, तो ये सब ये इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। उसी तरह शुगर का होना, हार्ट की बीमारी का होना, ये भी रिस्क फैक्टर्स में आता है। अब हम देखेंगे कि इसकी निशानियाँ क्या हैं। तो दोस्तों ये आमतौर पे बिना तकलीफ़ की यानी कि बिना कोई निशानी अलामत की बीमारी है, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर कहते हैं। यानी कि इसकी तकलीफ़ जब होती है जब ब्लड प्रेशर की सतह बहुत आगे बढ़ जाती है। अक्सर या कम बेशतर लोगों में सांस का फूलना, छाती में दर्द देना, दम का लगना, चक्कर का आना, घबराहट, पसीना महसूस होना, ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर में कुछ लोगों में देखे जा सकते हैं। बट आमतौर पे जैसे मैंने बताया ये असिम्टोमेटिक, शुरुआत में इसकी कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब हम देखेंगे कि इसके पेचीदगियाँ कौन कौन से हैं अगर इसका वक्त पर इसका इलाज न किया जाए तो। तो दोस्तों ये हार्ट अटैक यानी कि दिल पे कल्ब पे हमले को ला सकता है, पालिश या फालिज को ला सकता है, गुर्दे नाकारा हो सकते हैं, आँखों का पर्दा ख़राब हो सकता है, और अगर कोई लेडीज़ कोई हमल से है कोई ख़वातिन तो हमल भी ज़ाय हो सकता है। यानी कि इसके बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं इसका वक्त पर इलाज नहीं करना। अब देखिए कि इसे हम कैसे कंट्रोल करें और इसको इलाज कैसे करेंगे। सब में पहले तो इसको जो है ना एहतियात के लिए सब में पहले खाने पीने पे और अपने तर्ज इन ज़िंदगी में बदल लाना पड़ेगा। खाने में जो है तंदुरुस्त ग़िज़ा लें जिसमें कि फलों का इस्तेमाल हो, कम से कम नमक, कम से कम चीनी, कम से कम तेल घी वगैरह हो, फाइबर वाली हरी सब्ज़ीदार पत्तेदार तरकारी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाद में जो है जंक फूड्स बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें। उसी तरह वर्जिश आधा घंटा रोज़ाना करना चाहिए, जॉगिंग रनिंग या वॉकिंग जो भी पॉसिबल हो। बाद में फिर जो है तान तनाव को कम करें, नींद अच्छे से लें 7 से 8 घंटा, दवाई वक्त पर लें, दवाई बिल्कुल ना खाना करें, और सब में अहम जो कुछ टेस्ट होते हैं डॉक्टर साहब के मशवरे से, जो खून में कोलेस्ट्रॉल का हो गया, शुगर हो गया, ये वक्त पर देखते जाएं, दवाई के साथ लेने के साथ साथ दवाखाने को जाकर डॉक्टर साहब को भी वक्त ब वक्त मुलाकात करना चाहिए, उनके मशवरे से ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद गोलियां ले रहे हैं और 1 साल 1.5 साल के बाद जाकर बता रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन बीच में हो गया तो फिर मसले हो जाते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो और अच्छी तंदुरुस्त सेहत पाओ। आखिर में मैं तीसरे हिस्से में ये बताऊंगा कि आजकल जो कोविड का जो पैंडेमिक चल रहा है उसका ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक है। साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कोविड जब लगता है तो कॉम्प्लिकेशन का फीसद तनासुब आम पब्लिक के बनिस्बत जिसे ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह ना हो ये ज़्यादा है। यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कोविड इन्फेक्ट होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों में ज़्यादा जाते हैं। तो ये लोगों ने ज़्यादा केयर लेनी है, ख़ुद की ज़्यादा एहतमाम करना है, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और फ्रिक्वेंट सैनिटाइजेशन यानी कि साफ़ सफाई हाथों की और मास्क अप्लीकेशन और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज़ करना चाहिए। ये सब ये करेंगे तो ये अपने आप को तंदुरुस्त और फिट रख पाएंगे। तो यही चंद चीज़ें थी जो मैं आलमी योम हाइपरटेंशन या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन बताना चाहता था। अवाम से दरख्वास्त है कि वो इस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।